ठीक है आपको। तो सिंपली आउट टू का आपने जाके लिखना है प्ले स्टोर पे, तो आपको वहाँ से एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो सर एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो सबसे पहले आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ सर इंटरफेयर होगा, ठीक है। यहाँ मैं अपनी मेल बना लेनी है, ठीक है। तो मैं ये वैसे एक मेल बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो वहाँ पे आपने कुछ भी पासवर्ड लिख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड लिख लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ मलिक ट्रिपल 8 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख लेना है, यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगेगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम मलिक लिख दिया, लास्ट नेम राइट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप आगे चले जाएंगे तो यहाँ से आपका कंट्री सेलेक्ट हुआ होगा, बाकी आपने मंथ डेट और ईयर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं तो कह लगाऊंगा अपने से कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर दिया, 2002 लिख देते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने इस तरह का बोर्ड वगैरह शो होगा, ठीक है। तो ये जो पजल है आपने सॉल्व करनी है सिंपल, जिस तरफ आपको एरो का निशान दिया है तो थिंग्स को उन तरफ मोड़ देना, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ, जिस तरह से ये बताते जाते हैं तो उसी तरह से आपने इनको फॉलो करते जाना, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, जरा बस चीज़ को देखकर चले करें। काफ़ी देर से मेरा अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा था, मैं भी बड़ा परेशान था। तो फिर बस ट्रिक लगाते लगाते ट्रिक काम करिए, तो मैंने काफ़ी उनके साथ भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो आउटलुक की फोर मेल आ जाती है, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर मेल आ जाती है और आप मेल लगा कर इजिली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत डाउनलोडिंग लेगा, ठीक है। तो ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे टू डाउन होने के बाद मैं थोड़ा वेट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अक्सर रुक जाता है, तो अगर रुक जाए तो आपने इसको एप्लीकेशन पेपर ऑफ करके अगेन ऑन कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर किसी पर लैपटॉप वगैरह है तो माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे भी बना सकते हैं इजिली। तो मेरे पास उन्हें है तो सही, लेकिन कौन ओपन करे इस टाइम, लेकिन जिस वहीं पर मोबाइल में मेरी हाथ से मुश्किल हो रही थी तो उनको मैंने इस तरह बता दिया, ठीक है। मोबाइल में भी अब हर चीज़ इजी बन जाती है, बस थोड़ा बहुत चीज़ को देखना पड़ता है। तो इस तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो आउटलुक के मेल है वो तैयार कर लेनी है और आउटलुक के मेल पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी यहाँ पे, तो उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जैसे कंप्लीट होती है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। ये थोड़ा स्लो चल रहा है तो बस हम वेट ही कर सकते हैं, बाकी ये कर सकते हैं। तो ये जैसे नेक्स्ट होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है, तो ओके पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन परेशान नहीं होना, और हमारा तो इंटरनेट का इशू है, शायद आपकी तरफ से फास्ट चले। तो यहाँ पे देखें काफ़ी देर से लोडिंग ले रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ इसी का, जैसे ही लोडिंग कम्प्लीट होती है बताता हूँ, ठीक है। तो वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, इसी वीडियो आपसे बनेगी बिल्कुल, ठीक है। मे भी लेटर पे क्लिक कर देना है आपने, यहाँ पे स्कैनिंग और प्राइवेसी सेटिंग करेगा, ठीक है। तो ये थोड़े टाइम लेगा, आपने इसको चलने देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लेना सब, ठीक है। कंटिन्यू टू आउटलुक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी आउटलुक बन चुकी है, मतलब ऑलवेज राइट लिखा हुआ है @outlook.com, ठीक है। ये सिंपल से आपकी आउटलुक है, यही आउटलुक आपने जाके फ्रॉस्टबाइट का एप्लीकेशन ओपन करना है, उसमें डाल देनी है। तो ये एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, सेटिंग में चले जाते हैं, लॉगिन में चले जाते हैं। यहाँ पे सिंपल आके आपने लिखना है जो भी आपकी मेल है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वही मेल लिख लेता हूँ जो मैंने बनाई है, ठीक है। मैंने मतलब @outlook.com लिखा था, ठीक है। तो मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे सिंपल आपके आउटलुक पे मेल है, आपने जाकर आउटलुक एप्लीकेशन ओपन करनी है तो उसमें आपको OTP मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ओपन किया, इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। ये देखें 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको कोड रिसीव हो गया, ठीक है। ये आगे 238 कोड है, तो हम 238 कोड है यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये 238 मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ के आप रेफरल कोड आप लगा लेना है मलिक अहमद नीव, ठीक है। आप आपका जो प्लानर आपको ग्रुप वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये मेरे ग्रुप है तो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है मलिक अहमद नीव, ठीक है। आपका प्लानर आपको जो भी कोड प्रोवाइड करेगा तो आपने सिंपल वो कोड